Now again next example related to string operations. इस केस में मैंने total string different different levels पर provide किया. First case में S1 और S2 string objects create किए as a non-static data member और non-static variable. Same है ये S3 और S4 की बात करें. S3 और S4 का type क्या है? Static. Means static data members. Same है S5 और S6 की बात करें. S5 और S6 का type क्या है? इस केस में as a local variable. Again S क्या है? लोकल वेरिएबल्स. केस में S1, S2, S3, S4, S5, S6 क्या है? इट इज अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग टाइप. लेकिन S क्या है? S इज अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ सैंपल टाइप्स. फर्स्ट वन, जब भी आप न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, इस केस में एलोकेशन परफॉर्म हुआ इनसाइड हीप मेमोरी. डबल कोट के केस में स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल. लोकल वेरिएबल्स के केस में स्टैक मेमोरी. सेम है स्टैटिक के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड किया और डेटा एरिया. इस फाइनली इस केस में 4 मेमोरी प्लेसेस क्रिएट होंगे. लोकल वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में क्रिएट करेंगे एज अ स्टैक मेमोरी. सबसे पहले मैंने इस केस में इंट्रोड्यूस करा एज अ स्टैक डायग्राम. मींस इस प्रोग्राम में जितने भी लोकल वेरिएबल्स होंगे सारे के सारे लोकल वेरिएबल्स क्रिएट कराएंगे इनसाइड स्टैक एरिया. नेक्स्ट वन, सेम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स भी अवेलेबल और स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ? डेटा एरिया. तो सिमिलरली इस पर्टिकुलर प्लेस पर प्रोवाइड कर रहा हूँ. दिस इज द डेटा एरिया. डेटा एरिया के अंदर क्रिएट करेंगे ऑल स्टैटिक डेटा मेंबर्स. डेटा एरिया. नेक्स्ट वन, सिमिलरली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डबल कोट से क्रिएट हो रहे हैं. डबल कोट्स वाले ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल मेमोरी. इस टाइप से मैं एक और मेमोरी प्लेस क्रिएट कर रहा हूं एज अ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल. फाइनली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से डायनेमिकली क्रिएट हुआ तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कराएंगे इनसाइड हीप एरिया. तो फाइनली इसके साथ टोटल मेमोरी प्लेस कितने क्रिएट हो रहे हैं? 4. स्टैक डेटा एरिया स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल एंड हीप मेमोरी. देन फाइंड आउट करेंगे इस केस में आपको काउंट करना हाउ मेनी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड इन दैट एग्जांपल्स. मींस इस केस में टोटल स्ट्रिंग के कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे. मींस मैं जो भी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ मेरा एक्सप्लेनेशन समझने से जस्ट पहले आपको पहले प्रोग्राम खुद से सॉल्व करना चाहिए. देन आप इसको मेरे आउटपुट से मैच करोगे. क्लियर? पहले आप इसको पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने के लिए ट्राई करो. देन अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और आपने आउटपुट मैच कर सकते हो तो माई एग्जाम्पल्स और माई सॉल्यूशंस. फर्स्ट वन, जैसे इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कराओगे बाई यूजिंग जावा पी कमांड. सॉरी जावा कमांड. जावा के केस में सप्लाई क्या करेंगे? क्लास नेम है सैंपल. देन जेवीएम का फर्स्ट वर्किंग क्या है? लोडिंग दिस क्लास फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम. जैसे इस केस में सैंपल क्लास हार्ड डिस्क से रैम में लोड होगा तो सबसे पहले परफॉर्म क्या होगा? मेमोरी एलोकेशन ऑफ ऑल स्टैटिक वेरिएबल्स. क्लियर? स्टैटिक वेरिएबल्स कितने फाउंड हो रहे हैं? S3 एंड S4. तो S3 और S4 का मेमोरी एलोकेशन कब परफॉर्म होगा? जब भी क्लास हार्ड डिस्क से रैम में लोड होगा. ये सारे प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी बिगिनिंग सेशन में आपको एक्सप्लेन कर चुका. सेम एज S1 और S2 का मेमोरी एलोकेशन कब परफॉर्म होगा? जब S1 और S2 का टाइप क्या है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स. नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स कब क्रिएट होते हैं? जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. इसलिए S1 और S2 के लिए मेमोरी एलोकेशन क्रिएट कराने के लिए उन्होंने क्रिएट किया सेपरेट सैंपल ऑब्जेक्ट. क्लियर? सेम एज लोकल वेरिएबल्स कब क्रिएट होंगे? जब भी एग्जीक्यूशन कंट्रोल मेन मेथड के अंदर एंटर होगा. तो सबसे पहले परफॉर्म किया लोडिंग दिस क्लास फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम. वन मोर थिंग्स, इस केस में सेपरेट रखना. जैसे इस पर्टिकुलर केस में बात करें S5. S5 क्या है? रेफरेंस. और एबीसी इटसेल्फ क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग. सिमिलरली इस केस में S3 क्या है? S3 इज अ रेफरेंस ऑफ स्ट्रिंग क्लास. और एबीसी क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास. वो ऑब्जेक्ट सेपरेट प्लेस पर क्रिएट होंगे और रेफरेंस सेपरेट प्लेस पर क्रिएट होंगे. इसे स्टैटिक कीवर्ड अप्लाई किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए, S3 S4 के लिए. S3 और S4 के लिए. जब भी ये क्लास हार्ड डिस्क से रैम में लोड होगा तो इमीडिएटली लोडिंग टाइम पर मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म कराएंगे स्टैटिक वेरिएबल ऑफ क्लास. टोटल स्टैटिक वेरिएबल्स कितने फाउंड हो रहे हैं? S3 एंड S4 प्लस स्टैटिक वेरिएबल्स क्रिएट कराएंगे इनसाइड डेटा एरिया. याद रखना डेटा एरिया के अंदर कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ. क्यों? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट क्या होगा? आइदर इनसाइड हीप मेमोरी और इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल. लेकिन इस केस में ओनली एलोकेशन किसके लिए हो रहा है? S3 और S4 ओनली. क्लियर? जिस टाइप से लोकल वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में स्टैक मेमोरी में एलोकेशन किसके लिए होता है? कंप्लीट ऑब्जेक्ट और ओनली लोकल वेरिएबल्स. ओनली लोकल वेरिएबल्स. सिमिलरली डेटा एरिया के अंदर एलोकेशन किसके लिए हो रहा है? ओनली फॉर स्टैटिक वेरिएबल. सो स्टैटिक वेरिएबल्स कितने? 2, S3 एंड S4. देन S3 क्रिएट होने के जस्ट बाद परफॉर्म क्या हुआ? इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट इनसाइड S3. S3 में असाइनमेंट करने के रिस्पेक्ट में असाइन किया हो रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास.
प्लस ये ऑब्जेक्ट आप कॉन्सेंट्रेट करो, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ किस टाइप से क्रिएट हुआ, यूजिंग डबल कोट्स और यूजिंग न्यू कीवर्ड, यूजिंग डबल कोट्स। और जब भी किसी स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट डबल कोट्स के थ्रू क्रिएट कर देना, एलोकेशन किस प्लेस पर हो, इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल। वन मोर थिंग्स, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल के अंदर जेवीएम डायरेक्टली न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, पहले एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट सर्च करता है। सबसे पहले एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट सर्च होगा विद कंटेंट्स एबीसी। स्ट्रिंग कॉन्टेंट्स कॉन्स्टेंट पूल में करेंटली कोई भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट फाउंड नहीं हो रहा, इसलिए इस केस में ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का क्रिएट हो रहा है, स्ट्रिंग क्लास का। प्लस इस ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेंट्स और स्टेट प्रोवाइड किया जाएगा एबीसी। सपोज दैट अगर इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस 100 है, देन फाइनली जेवीएम इस प्लेस पर रिटर्न क्या करेगा, क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का एड्रेस। मीन्स जेवीएम डबल कोट्स के फॉर्म में या तो न्यू ऑब्जेक्ट का एड्रेस रिटर्न कराता है या फिर एग्जिस्टिंग। दिस केस में इनिशियली एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं था, इसलिए फर्स्ट टाइम न्यू ऑब्जेक्ट की डो, प्लस इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किस में असाइन हो जाएगा, S3। जैसे ही S3 में 100 असाइन होगा, S3 इमीडिएटली पॉइंट करेगा दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर? जिस तरह से लोकल वेरिएबल्स कहाँ क्रिएट होते हैं, स्टैक में, लेकिन पॉइंट किसको करते हैं, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल। सिमिलरली इस केस में स्टैटिक वेरिएबल कहाँ क्रिएट कराए, डेटा एरिया के अंदर, लेकिन ये पॉइंट किस लोकेशन को कराए, इन साइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल। इस केस में आपको काउंट करना है टोटल स्ट्रिंग क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट वन, सिमिलरली S4 में असाइनमेंट करें तो S4 के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया हुआ यूजिंग डबल कोट्स। इस केस में ऑब्जेक्ट किस प्लेस पर क्रिएट हुआ, इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल और इनसाइड हीप मेमोरी, इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल। और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में जेवीएम कभी भी डायरेक्टली न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता, सबसे पहले सर्च क्या करेगा, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट फॉर गिवन कंटेंट्स। कंटेंट्स और स्टेट क्या है, एबीसी। एबीसी के लिए कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट फाउंड हो रहा है क्या, फाउंड हो रहा है। फाउंड हो रहा है तो उस केस में जेवीएम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करके इस प्लेस पर रिटर्न करेगा एड्रेस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है, 100। अगेन इस प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, 100। और 100 असाइन किस में होगा, रेफरेंस वेरिएबल S4 एंड S3 दोनों ही रेफरेंस वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पॉइंटिंग सेम ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट वन, S3 और S4 कैसे वेरिएबल हैं, स्टैटिक। और स्टैटिक वेरिएबल्स को विद इन अ क्लास डायरेक्टली एक्सेस करना पॉसिबल, इसलिए मैंने S3 और S4 को डायरेक्टली एक्सेस किया है, जबकि S1 और S2 क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, इसलिए S1 और S2 को एक्सेस किया यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ सैंपल क्लास। बाद में जस्ट कंटिन्यू करूंगा। इस लोडिंग टाइम पर जस्ट क्रिएट क्या हो जाएंगे, S3 S4 विद स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा फ्रॉम मेन मेथड। जैसे इसका मेन मेथड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो मेन के रिस्पेक्ट में मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म कराएंगे लोकल वेरिएबल ऑफ द मेन मेथड। मेन मेथड के अंदर टोटल लोकल वेरिएबल्स कितने फाउंड हो रहे हैं, 3, S5, S6 एंड S। ये तीनों के तीनों वेरिएबल्स क्रिएट होंगे इन साइड स्टैक एरिया, S5, S6 एंड S। क्लियर? नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद S5 में जब असाइनमेंट परफॉर्म हुआ, असाइनमेंट किस हो रहा है, डबल कोट्स के थ्रू। डबल कोट्स के केस में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल। तो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में अगेन न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करके सबसे पहले जेवीएम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट सर्च करेगा, और एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑलरेडी फाउंड हो रहा है इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल, इसलिए इस केस में भी अगेन रिटर्न क्या हुआ, एड्रेस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। इस 100 केस में आसान हो जाएगा S5 में। देन S5 किस लोकेशन को पॉइंट करेगा, अगेन स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल मेमोरी। फर्स्ट केस में कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए थे स्ट्रिंग के, ओनली 1। सेकेंड केस में 0। अगेन थर्ड केस में कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, 0। फोर्थ केस में बात करें अगेन S6 S6 के रिस्पेक्ट में अगेन ऑब्जेक्ट सर्च होगा इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट फाउंड हो रहा है और एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है, 100। अगेन ये 100 केस में कॉपी हो जाएगा S6 में, तो अगेन कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए, 0। इस 100 केस में साइन हो रहा है S6 में। इस अभी तक टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए स्ट्रिंग क्लास के, ओनली 1 ऑब्जेक्ट, क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट किस हो रहे हैं, डबल कोट्स से। इन डबल कोट्स के केस में ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर क्रिएट किया जाए, स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट किया जाए, नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट किया, डजंट मैटर। जब भी डबल कोट्स से ऑब्जेक्ट क्रिएट कराओ, एवरी टाइम एलोकेशन परफॉर्म हुआ इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल। और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल के अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे, यूनिक विद यूनिक स्टेट। नेक्स्ट वन, S6 में असाइनमेंट होने के बाद नेक्स्ट टाइम अब असाइनमेंट किसमें कराओ, S में असाइन कर रहा ऑब्जेक्ट ऑफ सैंपल क्लास। सैंपल क्लास के रिस्पेक्ट में न्यू कीवर्ड के रिस्पेक्ट में टोटल 3 स्टेटमेंट्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑलरेडी डिस्कस किया था न्यू कीवर्ड का वर्किंग। फर्स्ट केस, एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर नॉन स्टैटिक वेरिएबल ऑफ गिवन क्लास। क्लास के इस केस में सैंपल, और सैंपल क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स कितने, 2 S1
और एस टू दो। हीप मेमोरी के अंदर जैसे ही सैंपल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, सैंपल क्लास के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मेमोरी एलोकेशन किसके लिए परफॉर्म हो रहा है? एड्रेस में एज्यूम कर रहा हूँ खुद से एज ए 200। इस केस में मेमोरी एलोकेशन किसके लिए हुआ है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल s1 एंड s2। मेमोरी एलोकेशन फॉर s1, मेमोरी एलोकेशन फॉर s2 प्लस इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस मैंने अगर 200 कंसीडर किया है तो s1 को एक्सेस करने का वे क्या होगा? 200.s1। और s2 को एक्सेस करने का वे क्या होगा? 200.s2। ये सारे प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करूँगा। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेप क्या था? एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर नॉन स्टैटिक वेरिएबल, न्यू कीवर्ड के केस में। सेकेंड स्टेप क्या है? इनिशियलाइजिंग बाई डिफॉल्ट वैल्यू। देन s1 और s2 में जब इनिशियलाइजेशन परफॉर्म कराएंगे तो s1 में आसान क्या कराया मैंने? abc। तो abc क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्रिएटेड बाय यूजिंग डबल कोट्स। अगेन डबल कोट्स के थ्रू क्रिएट हो रहा, तो फिर से न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा या एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटन होगा? ये सबसे पहले JVM सर्च क्या करेगा? एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल ऑलरेडी फाउंड हो रहा, इसलिए इसका एड्रेस क्या? 100। रिटर्न क्या होगा इस प्लेस पर? 100। सेम एज इन केस ऑफ s2, दोनों केस में एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट फाउंड। तो s1 और s2 दोनों में ही असाइन क्या हो रहा है? 100 एंड 100। s1 भी किस लोकेशन को पॉइंट करेगा? 100 लोकेशन। और s2 भी किसको पॉइंट करा? ऑल्सो 100 लोकेशंस। क्लियर? इस फाइनली इस केस में स्ट्रिंग क्लास के टोटल रेफरेंस वेरिएबल्स कितने क्रिएट हुए हैं? 6। s1 s2 s3 s4 s5 s6 लेकिन छह मीन्स ऑल रेफरेंस वेरिएबल्स सेम ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करें। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सेम ऑब्जेक्ट्स। इसके प्रॉपर्टी टेस्ट करने के लिए मैंने परफॉर्म क्या कराया? जस्ट कंपेरिजन। वन मोर थिंग्स, न्यू कीवर्ड के रिस्पेक्ट में थर्ड स्टेप क्या? रिटर्निंग एड्रेस ऑफ क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। करेंटली इस न्यू कीवर्ड से जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कराया था इसका एड्रेस क्या फाउंड हो रहा? 200। इस प्लेस पर आसान क्या हो जाएगा? 200। 200 के प्लेस पर आसान हो जाएगा इनसाइड रेफरेंस वेरिएबल s। देन s सैंपल क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट पॉइंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट वंस, sop मैंने शॉर्टकट यूज किया है। इस जब भी आप इस प्रोग्राम को टेस्ट करोगे sop के प्लेस पर राइट क्या कर लो? system.out.println। क्लियर? नेक्स्ट वन, असाइनमेंट और डॉट में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका? डॉट का। तो डॉट के केस में फर्स्ट ऑपरेंड क्या है? सेकंड ऑपरेंड क्या है? s1। तो s के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे? s का वैल्यू। और s में करेंटली क्या स्टोर है? 200। इसलिए इस प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा? 200। देन नेक्स्ट टाइम 200.s1 के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे 200.s1 का वैल्यू। और 200.s1 में क्या स्टोर है? 100। तो फाइनली इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा? 100। क्लियर? सिमिलरली s.s2, इस केस में अगेन s के प्लेस पर क्या रिप्लेस कराएंगे? s का वैल्यू। और s का वैल्यू अगेन क्या है? 200। नाउ दिस लोकेशन बिकम्स 200.s2। और 200.s2 में भी क्या स्टोर है? ऑल्सो 100। देन जब इस केस में कंपेरिजन परफॉर्म हुआ, 100 को जब 100 से कंपेयर करें दोनों ही एड्रेस कैसे सेम? सेम मीन्स ट्रू और फॉल्स। फाइनल इस प्लेस पर इक्वल इक्वल ऑपरेटर रिटर्न क्या करेगा? रिजल्ट एज ट्रू। प्रिंट एलएन के थ्रू डिस्प्ले क्या हो जाएगा? ट्रू इन फर्स्ट केस। नेक्स्ट वन, सिमिलरली सेकंड प्रिंट एलएन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। इस प्लेस पर s3 और s4 क्या है? स्टैटिक वेरिएबल्स, इसलिए स्टैटिक वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस करना पॉसिबल है। s3 के प्लेस पर रिप्लेस कराएंगे s3 का वैल्यू। और s3 में क्या फाउंड हो रहा है? 100। और s4 में क्या फाउंड हो रहा है? ऑल्सो 100। तो फाइनली इस प्लेस पर भी क्या रिप्लेस होगा? 100 इक्वल इक्वल 100। मीन्स रिजल्ट क्या था इसका? ट्रू और फॉल्स? अगेन ट्रू, क्योंकि दोनों केस में सेम स्टेट कंपेयर हो रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज क्या प्रिंट हो रहा है? अगेन ट्रू। नेक्स्ट टाइम थर्ड प्रिंट एलएन, थर्ड प्रिंट एलएन में मैंने कंपेयर करा s5 और s6। s5 में भी क्या स्टोर है? 100। और s6 में भी क्या साइन हुआ है? 100। तो दोनों केसेस में अगेन कंपेरिजन किसका हो रहा है? 100 का 100 से। मीन सेम ऑब्जेक्ट कंपेयर हो रहे हैं या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स? अगेन सेम ऑब्जेक्ट, तो फिर से रिजल्ट क्या मिलेगा इस केस में? ट्रू। नेक्स्ट फोर्थ केस, फोर्थ केस में अगेन s1 को कंपेयर करा है s3 से, लेकिन s1 को एक्सेस किया यूजिंग सैंपल ऑब्जेक्ट, बिकॉज s1 का टाइप क्या था? नॉन स्टैटिक वेरिएबल। नॉन स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेस करना पॉसिबल नहीं। s.s1 में क्या स्टोर है? s, सिंपली पहले s के प्लेस पर s का वैल्यू रिप्लेस करा लो। s का वैल्यू क्या? 200। 200.s1 अब क्लियरली आपके लिए मेंशन हो रहा है। इस लोकेशन को आप नेम दे सकते हो s.s1 एंड s.s2।
एस डॉट एस वन और 200 डॉट एस वन में क्या है 100, तो फर्स्ट प्लेस पर क्या रिप्लेस करा हुआ है 100, इक्वल इक्वल एस थ्री, एस थ्री में क्या स्टोर है ऑल्सो 100। मीन्स इस पर्टिकुलर केस में कंपेरिजन किसका हो रहा है एस वन का एस थ्री से, और एस वन कैसा है नॉन स्टैटिक वेरिएबल और एस थ्री कैसा है स्टैटिक वेरिएबल। जब नॉन स्टैटिक को स्टैटिक से कंपेयर कराओ डजंट मैटर, लेकिन इस केस में दोनों ही के अंदर कंटेंट्स कैसे सेम 100 एंड 100, तो 100 और 100 दोनों ही केस में क्या आएगा ट्रू और फॉल्स, अगेन ट्रू। नेक्स्ट टाइम फिर से क्या डिस्प्ले हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट वन फिफ्थ केस, फिफ्थ केस में एस डॉट एस वन के प्लेस पर अगेन क्या आएगा 100 एंड एस फाइव के प्लेस पर क्या आएगा 100। इस केस में कंपेरिजन किसका इससे हो रहा है एस वन क्या नॉन स्टैटिक वेरिएबल को लोकल वेरिएबल से कंपेयर करा, लेकिन दोनों ही रेफरेंसेस में एड्रेस कैसे सेम, तो अगेन क्या आएगा इस केस में ट्रू और फॉल्स, अगेन ट्रू। इसे सभी केसेस में सेम ऑब्जेक्ट्स कंपेयर हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट अवेलेबल ही नहीं है स्ट्रिंग का, ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट, और एवरी टाइम सेम ऑब्जेक्ट उसी से कंपेयर हो रहा है, उसी के स्टेट से कंपेयर हो रहा है, इसलिए एवरी टाइम आपको रिजल्ट क्या मिला इस केस में ट्रू। लास्ट केस एस थ्री, एस थ्री क्या है इस केस में स्टैटिक, और एस थ्री में ऑलरेडी क्या स्टोर है 100 सेम एज एस फाइव क्या लोकल, यहाँ स्टैटिक वेरिएबल को लोकल से कंपेयर कराया लेकिन दोनों में रेफरेंस सेम है, एस फाइव में भी क्या स्टोर है ऑल्सो 100, तो अगेन रिजल्ट क्या मिलेगा ट्रू। नेक्स्ट टाइम क्या डिस्प्ले हुआ ऑल्सो ट्रू। मीन्स फाइनली इस केस में कंक्लूजन क्या है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट जब भी आप डबल कोट्स के थ्रू क्रिएट करोगे, इस केस में ऑब्जेक्ट चाहे आप लोकल स्कोप में क्रिएट कराओ या एज अ स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कराओ या एज अ नॉन स्टैटिक वेरिएबल डजंट मैटर, डबल कोट्स के थ्रू जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे एवरी टाइम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इनसाइड स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। क्लियर दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, अगेन मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट एग्जांपल।